Very good morning, students. How are you? I hope all of you will be fine. I am your maths teacher, and today I am going to teach you maths of class 8. Now today we start new chapter, chapter 15, areas of rectilinear figures. And today we do exercise 15.1, part 1. So now see in the book, this is your maths book, maths of class 8. Now open chapter number 15. Now see here, this is the chapter number 15, areas of rectilinear figures. यहाँ पे हमें फिगर्स डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स हैं उनके हमें एरियाज फाइंड करने हैं. ओके नाउ सी एक्सरसाइज 15.1. दिस इज द एक्सरसाइज 15.1 एंड पेज नंबर 113. यहाँ पे देखिए कुछ फॉर्मूलेज दिए हुए हैं. ये रेक्टेंगल है, इनका एरिया किस तरह से निकालना है, पेरीमीटर किस तरह से निकालना है, यहाँ पे फॉर्मूलेज दिए हुए हैं. जैसे स्क्वायर है, यहाँ पे इनके एरिया फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, एरिया पेरीमीटर डायगोनल्स. तो ये आप सभी लर्न कर लेंगे. पैरेललोग्राम्स के भी यहाँ पे देखिए एरिया किस तरह से निकालना है, पेरीमीटर किस तरह से निकालना है, ये सभी फॉर्मूले हैं. तो इन फॉर्मूलों को आप पेज नंबर 110 एंड 111 से जो है लर्न कर लेंगे. ओके नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द परपेंडिकुलर डायगोनल ऑफ अ रोम्बस हुज एरिया इज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पेरीमीटर इज 28 सेंटीमीटर. ये रोम्बस की फिगर किस तरह से होती है. सी हियर क्वेश्चन नंबर 1. दिस इज द फिगर ऑफ रोम्बस. रोम्बस की फिगर बिल्कुल स्क्वायर की तरह होती है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं. इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्रीज पर इंटरसेक्ट करते हैं, बट इनके जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते. ओके अब यहाँ पर देखिए एरिया दिया हुआ है, सो एरिया इज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर. पेरीमीटर दिया हुआ है 28. पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स. तो वन साइड निकालेंगे, वन साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, 28 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 7, यानी 7 सेंटीमीटर. तो ईच साइड विल बी 7 सेंटीमीटर. अब हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ अ रोम्बस. तो रोम्बस का जो एरिया होता है ये इसका टू फॉर्मूला होता है. एक होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, जो ये डायगोनल्स होते हैं. और सेकंड फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट. देखो बेस यानी जो नीचे की लाइन होती है बेस, और जो बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर वाली जो लाइन है ये हमारी हाइट होती है. देखो यहाँ पे एच लिखा हुआ है यानी कि ये हाइट है. तो बेस इंटू हाइट इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हम इसमें रोम्बस का एरिया फाइंड कर सकते हैं. अब यहाँ पे हमें हाइट नहीं मालूम है इसलिए हमने एच लिखा हुआ है. तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट. एरिया दिया हुआ है पहले से, गिवन है 28. तो हम यहाँ 28 लिखेंगे, बेस हमारा नीचे की जो लाइन है बेस वो 7 है. तो 7 मल्टीप्लाई हाइट हमारी कितनी है नहीं मालूम, एच. अब ये हमारी इक्वेशन बन गई. हम 28 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्या निकल जाएगा, हाइट. तो 28/7 इक्वल्स टू हाइट. सो हाइट इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. तो ये जो हाइट है यही हमारा इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर डायगोनल दिया हुआ है. सो देयरफॉर परपेंडिकुलर डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. इसी को परपेंडिकुलर डायगोनल कहा गया है. ओके नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2.
दिस इज द क्वेश्चन नंबर टू. फाइंड द परपेंडिकुलर डायगोनल ऑफ अ रोम्बस हुज एरिया इज 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ईच साइड इज 6 सेंटीमीटर. यहाँ पे वन साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर और एरिया दिया हुआ है, वही हमें परपेंडिकुलर डायगोनल निकालना है जैसे अभी हमने फाइंड किया था. सेम इसी तरह से हम फिगर बनाएंगे. नाउ सी क्वेश्चन नंबर टू. एरिया गिवन है और साइड गिवन है. क्वेश्चन नंबर टू, यहाँ फिगर ड्रॉ करेंगे रोम्बस की. ई साइड 6 सेंटीमीटर की है. ये हमारा परपेंडिकुलर डायगोनल है जो है एच, क्योंकि ये हमें नहीं मालूम है. तो यहाँ एरिया लिखेंगे जो गिवन है 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. साइड यानी बेस, ये साइड है इसी को हमने बेस ले लिया, इसलिए बेस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट. एरिया गिवन है इसलिए हम यहाँ पे 10.2 लिखेंगे, इंटू बेस हमारा 6 है, इंटू हाइट हमें नहीं मालूम इसलिए एच लिखेंगे. अब इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, इक्वल टू एच यानी हाइट आ जाएगी. तो हाइट इज इक्वल टू, जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1.7 सेंटीमीटर. तो ये जो हाइट है ये क्या है हमारा, परपेंडिकुलर डायगोनल. सो राइट देयर फोर परपेंडिकुलर डायगोनल इज इक्वल टू 1.7 सेंटीमीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री. फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज ईच साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर डायगोनल इज 2.8 सेंटीमीटर. अब इस क्वेश्चन में हमें एरिया फाइंड करना है. देखो किस तरह से करेंगे, इसमें हमें साइड गिवन है और परपेंडिकुलर डायगोनल गिवन है. तो पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे. देखो इस तरह से फिगर ड्रॉ करनी है. क्वेश्चन नंबर थ्री, ये रोम्बस है, ये ईच साइड है 5 सेंटीमीटर की, यह परपेंडिकुलर डायगोनल है 2.8 सेंटीमीटर का. हम यहाँ लिखेंगे साइड यानी बेस हमारा क्या है, ये 5 सेंटीमीटर. परपेंडिकुलर डायगोनल यानी कि ये हमारी जो हाइट है वो है एच आ जाएगी हाइट 2.8 सेंटीमीटर. एरिया फाइंड करेंगे, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट. तो बेस हमारा 5 इंटू हाइट हो गई हमारी 2.8, मल्टीप्लाई कर देंगे 14.0 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब पॉइंट के बाद जीरो, इसलिए जीरो की कोई वैल्यू नहीं है. हम यहाँ लिखेंगे देयर फोर एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द आंसर. नाउ सी क्वेश्चन नंबर फोर. फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. अब हमें यहाँ पे रोम्बस का एरिया फाइंड करना है, लेकिन कंडीशन अलग है. अब यहाँ पे हमें जो डायगोनल्स हैं वो दिए हुए हैं, 2 डायगोनल्स 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर. तो जब डायगोनल्स गिवन होते हैं तो एरिया हम क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. नाउ सी क्वेश्चन नंबर फोर. क्वेश्चन नंबर फोर, 2 डायगोनल्स आर कौन कौन से हैं, 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. ये दोनों की लेंथ है. अब एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. तो 1/2 मल्टीप्लाई, अब 2 डायगोनल्स यानी 4 और 6 का है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू 6, 2 से 4 कट जाएगा 2 और 2 6 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ रोम्बस एंड आंसर. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, अ रोम्बस फिल्ड हैज ईच साइड 64 सेंटीमीटर मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इज 16 मीटर. फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस रोम्बस फील्ड. एक रोम्बस फील्ड है, उसकी ईच साइड यानी हर साइड 64 मीटर की है और उनके टू साइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 16 मीटर. और एक दूसरा प्लॉट है वो स्क्वायर है, उसका एरिया रोम्बस के एरिया के इक्वल है. तो हमें जो स्क्वायर प्लॉट है उसकी साइड बतानी है कि कितनी साइड होगी, कितनी मीटर की होगी. ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5.
साइड इज 64 मीटर, हाइट इज 16 मीटर, सो एरिया ऑफ रोमबस इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट. बेस हमारा 64 इंटू 16 मल्टीप्लाई कर देंगे 1024 मीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट जो उसका एरिया रोमबस के एरिया के इक्वल है, इसलिए एरिया ऑफ रोमबस फील्ड दोनों इक्वल हैं. तो इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड यानी साइड स्क्वायर इज इक्वल टू इसका एरिया, यही आ जाएगा, ये हम यहाँ लिख देंगे. तो ये हमारी इक्वेशन बन गई. अब हमें साइड निकालनी है, तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए इसको हमने अंडर रूट कर दिया, यानी कि इसे हम कहते हैं अंडर रूट 1024. इसके हम जब फैक्टर करेंगे तो 32 आ जाएगा, तो साइड इज इक्वल टू 32 मीटर. देयरफॉर साइड ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू 32 मीटर एंड दिस इज द आंसर. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.